अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और फाइनली जी दो दिन बाद जो है ना, आज मैं व्लॉग जो है वो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफियात थी घर में, जिसकी वजह से जो है ना मैं आपके साथ जो है ना व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो अच्छा, खैर यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये था आज का जो मेरा व्लॉग है ना, वो है जी दो दिन का मिक्सअप व्लॉग्स है। जो जो कुछ बने हुए थे क्लिप सारे जो है ना आज के व्लॉग में, मैंने सोचा कि चलें आज का एक व्लॉग इकट्ठा करते हैं, तो आपके साथ जो है वो शेयर कर देते हैं। क्योंकि दो दिन हो गए थे व्लॉग भी अपलोड नहीं कर रही थी, एक तो मेरा वीडियोज़ वगैरह भी कुछ नहीं खास नहीं बनी हुई थी। तो बस आज के व्लॉग में ना आपको मिक्सअप सब कुछ देखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, इन्जॉय करेंगे आप लोग आई होप हमेशा की तरह। तो अच्छा जी, खैर यहाँ पे ये था जी फ्राइडे वाले दिन। फ्राइडे वाले दिन जो है ना हस्बैंड गए हुए थे जुमा पढ़ने के लिए, नमाज़ के लिए निकल गए थे, तो मैं जल्दी जल्दी जो है ना खाना प्रिपेयर कर रही थी। लंच टाइम था यहाँ पे, और लंच में आज जी हमने बनाया था आलू मटर वाला पुलाव। बड़े अरसे बाद जो है ना ये मैंने बनाया, बड़ा मज़े का लगता है मुझे और मेरी फैमिली बड़ा ज़्यादा इन्जॉय करती है। साथ में हमने जी ये इस तरह से रायता बना लिया था, रायते में खीरा प्याज टमाटर जो है ना चॉप कर लिया था, और योगर्ट है सिंपल सा है, और साथ में इसमें नमक और काली मिर्च थोड़ी सी डाल दी थी। यहाँ पर जी मैंने अपने कपड़े भी जो है ना बस आयरन करके रखे हुए थे, और मैं शावर लेने के लिए बस जाने लगी थी, क्योंकि चावलों को मैंने लगा दिया था यहाँ पे दम, और बच्चे जो है ना अपना खेल कूद रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और इजी थे, फ्रेश अप चिल माहौल में बैठे हुए थे, एंजॉय कर रहे थे। थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना मैं आपको दिखाऊँगी, देखें जो है ना अपने अपने जो है इस टाइम पर लगे हुए हैं। और बेटा जो है ना मेरा माशाल्लाह जी आजकल जो है ना बड़ा ज़्यादा क्रिएटिव हुआ हुआ है, और इसको आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है कि मैं जो है ना बस आर्ट करूं, ड्राइंग करूं हर टाइम पे बैठ के। और इसने इस तरह से ये जो मैंने इसको टैबलेट लेके दिया ना, इसने मुझे बड़ा ज़्यादा फ़ायदा दिया है। इससे मेरे बेटे ने इतना ज़्यादा कुछ सीखा है जिसकी हद नहीं है। इसने लिख लिख के बस पेंसिल मार 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 के इसके ऊपर जो है ना इतना घुमा घुमा के पेंसिल, इसने बहुत सारी न्यू चीज़ें जो है ना सीखी हैं, जो इससे पहले इसको कुछ भी नहीं आता था। इवन कि ये पेंसिल भी सही तरीके से नहीं पकड़ पाता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने इसको ये टैबलेट लेके दिया, इसको इतना ज़्यादा मज़ा आया ना इस टैबलेट के साथ, इसने इतना इन्जॉय किया, इन्जॉय कर करके इसने इतना कुछ लर्न किया और जिसकी हद नहीं है। तो आप लोग भी कोशिश किया करें, बच्चे आपके जो है ना क्रिएटिविटी तभी सीखते हैं जब आप बच्चों को डिफरेंट जो है ना चीज़ें देते हैं, उनको डिफरेंट चीज़ों से उनको जो है ना इन्जॉय करके आप लोग उनको सिखाते हैं। मतलब ये कि बच्चे जितना ज़्यादा इन्जॉय करके सीखते हैं ना, उतना ज़्यादा बच्चे को अगर स्ट्रिक्टनेस कर दी जाए ना, तो उससे बच्चा इतना ज़्यादा नहीं सीख पाता जितना बच्चा जो है ना इन्जॉय करके और खेल कूद में जो है बच्चा सीख जाता है। तो अच्छा जी, खैर यहाँ पे अभी जुमे की नमाज़ वगैरह पढ़ के हस्बैंड जो है वो आ चुके थे, और मैंने जो है ना जल्दी जल्दी जो है ना दम खोला, क्योंकि हस्बैंड की कॉल आ गई थी, उन्होंने जल्दी जल्दी मैं ना निकलना था, तो बस मेरी नमाज़ अभी रहती थी जुमे की, तो मैं बस शावर लेके निकली, तो बस साथ में हस्बैंड जो है वो घर आ गए थे, तो उन्होंने बोला कि जल्दी से जो है ना मुझे प्लेट बना के दे दो। और हालाँकि दम भी जो है ना अभी इतना फुल टाइम नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी ना मुझे खोलना पड़ गया, और बस चावल बड़े मज़े के खैर बन गए थे फिर भी। तो बस हस्बैंड को देने के बाद उनको भिजवा दिया था, वो अपने काम के सिलसिले में चले गए थे, और हमने भी बस अभी खाना वगैरह खा लिया। और यहाँ पे फिर मैंने शाम की अभी जो है ना चाय बना रही थी सिर्फ अपने लिए और बच्चों के लिए, क्योंकि हस्बैंड नहीं थे घर पे जैसा कि बताया है, तो उन्हें अचानक से ही उनका काम ही कुछ इस तरह से है कि उन्हें अचानक से ही जो है ना अचानक उनकी कॉल वगैरह आ जाती है और उन्हें निकलना पड़ जाता है। और आप लोग जी मेरी चाय को इतना ज़्यादा लाइक करते हैं, थैंक यू सो मच आप सबका कि आप लोगों को मेरी चाय जो है वो इतनी ज़्यादा पसंद आती है। यकीन करें कि मेरा बस चले ना मैं आप सबको जो है ना अपने हाथों की चाय जो है वो ज़रूर पिलाऊं, क्योंकि मेरे हाथों की चाय जो है ना मेरी फैमिली में सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और मुझे ख़ुद भी जो है ना बड़ी ज़्यादा पसंद है। मैं अपने हाथों की बनी हुई चाय जब तक ना पी लूँ मुझे तसल्ली नहीं होती, मुझे सुकून नहीं मिलता। और वैसे भी आपको पता है जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उन सबको पता है कि मैं कितनी ज़्यादा जो है वो चाय की जो है शौकीन हूँ, मतलब टी लवर हूँ। और यहाँ पे बस अपने लिए चाय डाल रही थी और साथ में बच्चों के लिए भी डाल रही थी, क्योंकि बच्चे भी जो है ना मेरे साथ रह रहे के ना बड़ा उनको भी चाय का होता है कि बेशक थोड़ी थोड़ी दे दूँ उनको, लेकिन उनको होता है कि मामा ने जो है ना आज हमें चाय नहीं दी, तो उनको मेरे साथ जो है ना चाय पीने की आदत है, और मुझे भी अच्छी सी जो है ना वो बच्चों के साथ कंपनी जो है वो इन्जॉय करने को मिल जाती है। तो अच्छा जी, खैर अभी रात के लिए खाने की यहाँ पे प्रेप जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आज रात के खाने में मैं बना रही हूँ चार गोश्त। मैं किस तरह से बनाती हूँ, बहुत सिंपल, बहुत ईजी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार किस्म की ये रेसिपी जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। सिर्फ ओनली जो है वो टू इंग्रेडिएंट्स हम इसके अंदर ऐड करेंगे इसकी मैरिनेशन में। यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ के जी के करीब मेरे पास है मटन, यहाँ पे इसको मैंने डीप फ्रोस्ट करके रख लिया था, क्योंकि मेरे पास जो है ना फ्रोज़न ही पड़ा हुआ होता है, और मैंने जब दिन को राइस बनाए थे ना उसी टाइम पर जो है ना मैंने इसको डीप फ्रोस्ट कर दिया था। और यहाँ पर अभी मैं इसको लगाऊँगी, मैरीनेट करूँगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर योगर्ट ले लिया, योगर्ट तकरीबन मैंने
पौनी प्याली आप कह लें तकरीबन, इतना जो है ना मैंने इसमें योगर्ट ऐड किया है। जितना आपके पास बीफ मटन और चिकन हो ना आप उस हिसाब से इसमें ऐड कीजिएगा। और ये मेरे पास हाफ़ पैकेट पड़ा हुआ था अचार गोश्त मसाले का, जो रेडीमेड हमें बाज़ार से जो मिलता है ये वही वाला मसाला था। बस ये टोटली जो है ना इसमें दो चीज़ें जाएंगी और इसको हम मैरिनेट करके तकरीबन जो है ना मैं इसको 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि ये मुझे अभी रात में बनाना था। और जब मैंने बताया ना, जब मैंने चावलों को चावल जब बनाए थे उसके बाद ही ना फ़ौरन मैंने इनको इसको मैरिनेट करके जो है वो रख दिया था, ताकि इसकी मैरिनेशन को इसको टाइम जो है वो मिल जाए मटन को। और जी ये मैंने बनाना तो एक्चुअली रात में ही था, लेकिन हुआ कुछ इस तरह से, आगे चल के मैं आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ। ये मुझे रात में नहीं बल्कि नेक्स्ट डे जाके ये मुझे बनाना पड़ा था। रात को जो है ना मेरी जान छूट गई थी कुकिंग से, तो खैर जान तो खैर नहीं छूटी थी कुकिंग से, फिर भी जो है मुझे कुछ ना कुछ और जो है वो करना पड़ ही गया था, तो वो भी आगे चल के मैं इसी व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जो लोग चैनल पर न्यू हैं काइंडली जल्दी से जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि मज़े मज़े के व्लॉग्स जो है ना आप लोग मिस ना कर सकें। और जिन लोगों मुझे सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच आप सब लोगों का, और आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, आप लोग मेरी वीडियोस का वेट करते हैं, उसके सब के लिए भी थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। और अच्छा जी, ये जो मैं अभी बात आप लोगों को बता रही थी ना कि मैंने वो बनाना वो था चार गोश्त बनाना था, और बनाना मुझे ये पड़ गया क्योंकि अचानक से जो ना हस्बैंड की कॉल आ गई दिन में, वो जल्दी जल्दी में खाना खा के निकले थे, उन्होंने कुछ खास नहीं खाया था, तो बस थोड़ा सा लाइट सा वो खा के चले गए थे। तो फिर उन्होंने मुझे कॉल की कि मैं जो है ना 15 से 20 मिनट के अंदर जो है घर पहुँच रहा हूँ, तो जल्दी से जो है कुछ ना कुछ मेरे लिए कुछ स्पाइसी सा बना दो, क्योंकि राइस इतने ज़्यादा स्पाइसी नहीं थे। जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि बच्चों की वजह से जो है ना मैं राइस इतने ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाती, ताकि बच्चे भी जो है वो इजीली खा सकें। तो बस मुझे यही समझ आई जल्दी से जो है ना, क्योंकि कबाब वगैरह इस टाइम पे मेरे पास कुछ भी फ्रीज हुए नहीं पड़े थे, जो कि हमेशा पड़े होते हैं, तो आज नहीं थे। तो मैंने जल्दी से जो है ना आलू के कटलेट्स, आलू के कबाब जो होते हैं ना टिक्कियाँ मतलब कि वो बना ली थी, और इसके लिए जल्दी से मैंने 2 आलू लिए, उनको उबाल लिया था, एक प्याज मैंने इसके अंदर चॉप करके ऐड किया है, यहाँ पे मैंने नमक मिर्च हल्दी जितने मसाले हैं आपके घर में किचन में अवेलेबल सारे आप डाल दीजिएगा। अनारदाना मैंने इसके अंदर अच्छा खासा सा ऐड किया था, क्योंकि अनारदाने से जो है ना आलू की टिक्कियाँ जो है ना बड़ी मज़े की बनती हैं। तो साथ में इसमें थोड़ा सा मैंने ज़ीरा ऐड किया है, थोड़ी सी पिंच 1 पिंच जो है ना इसमें मैंने अजवाइन वो भी ऐड किया है, साबुत धनिया वो मैंने क्रश करके हाथों से जो है ना मसल के वो भी मैंने ऐड कर दिया है, हरा धनिया और हरी मिर्च जो है ना ये तो इसका लाजमी पार्ट है, इससे जो है ना इसकी माशाल्लाह बड़ी प्यारी जो है ना खूबसूरती जो होती है ना वो इसी से निकल कर आती है। इस सारे को अब हम कर लेंगे जी मिक्स, सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें ऐड कर दिए और सारे मैंने आपको बता भी दिए हैं, और इस सारे को मैंने मिक्स करके रखा। साथ में एक अंडा ले लिया, इसको अच्छी तरह से जो है ना मैं बीट कर लूँगी, और जल्दी से जो है ना बनाते हैं कटलेट्स। मैंने इतनी जल्दी जल्दी में ये सारे जो है ना प्रिपेयर किए हैं, यकीन करें कि अभी 5 मिनट रहते थे हस्बैंड के आने में, और मैंने जो है ना इनको फ्राई भी करना स्टार्ट कर दिया था, बस ये फ्राई हो रहे थे और साथ में जो है ना वो बेल हुई और हस्बैंड जो है वो घर पे आ गए थे, और वो कहते हैं इतने लंबे चक्कर में पड़ने की क्या ज़रूरत थी, तुमने तो जो है ना कमाल ही कर दिया। तो मैंने कहा नहीं आप बोलें और मैं ऐसा ना करूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हस्बैंड को कभी कभी जो है ना खुश कर देना चाहिए, क्योंकि देखें जारी बात है वो हमारी फैमिली का जो है ना हस्बैंड जो होते हैं वो आपकी फैमिली की बोन होते हैं। अगर फैमिली बोन, अगर बैक बोन मतलब कि अगर आपकी बैक बोन ही सही नहीं है तो आपकी फैमिली आपका घर जो है वो चल नहीं सकता। तो अपनी बैक बोन को सही रखने के लिए जो है ना उनके लिए बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश किया करें आप सब भी। बस ये छोटा सा मैसेज जो है ना वो मैं अपनी सारी बहनों को यहाँ पे आज के व्लॉग में दूँगी। तो अच्छा, इसके साथ कटलेट्स के साथ ना मैंने उनके लिए राइस भी जो है ना जल्दी से गर्म कर लिए थे, और कटलेट्स के साथ जो है ना वो राइस और रायता जो है वो इन्जॉय करेंगे। और ये रात को काफ़ी जो है ना लेट नाइट में उनके गले में शदीद किस्म का दर्द हो रहा था, एक तो वेदर की चेंजिंग की वजह से, तो मैंने यहाँ पर उनको जो है ना पानी बना के दिया था। ये कौन सा पानी होता है? ये होता है जी लौंग और नमक वाला पानी, ताकि जो है ना वो गरारे कर सके, और इससे ठकोर मिलती है गले को और बड़ा अच्छा जो है ना बड़ा ज़्यादा रिलैक्स होता है बंदा। और आप लोग भी अगर, अब मौसम जारी बात है हर जगह पर चेंज हो रहा है, अगर आपकी फैमिली में भी कोई ऐसा इशू है तो आप लोग जो है ना इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बड़ा ज़्यादा सुकून मिलता है। तो नमक और लौंग डाल के ना मैंने उसको अच्छी तरह से उबाल लिया था, जब वो नीम सा ठंडा सा हो गया था ना, नीम सा गरम गरम सा था, तो यानी कि वो आपका गला हलक जो है आपका बर्दाश्त करने के काबिल हो, तो उस टाइम पे आप जो है ना उसके गरारे कीजिएगा, रात को करके आप सो जाएं, उसके बाद ऊपर से कोई पानी वगैरह ना पिए और कोई एक्स्ट्रा चीज़ ना लें, तो बस आपको बड़ी ज़्यादा गले को आपको ना राहत मिलेगी। तो अच्छा जी, यहाँ पर ये नेक्स्ट डे हो चुका है, नेक्स्ट डे दिन में लंच में जो है ना फिर मैंने ये बनाया था। ये देखें यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन भी जो है ना पीस के रख लिया था कल ही, क्योंकि मैंने ये रात में जैसा कि
बताया था मैंने बनाना था, तो फिर अचानक से प्रोग्राम जो है वो चेंज हो गया था। तो खैर ऐसा जो है ना हो जाता है कभी कभी। तो फिर नाश्ते में तो हम लोगों ने सब ने जो है ना एग्स वगैरह बना लिए थे, और नाश्ते के वीडियो मैंने आपके साथ नहीं शेयर की, वरना वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। तो ये नेक्स्ट डे जो है ना दिन के लंच में मैंने बनाया था। इसको अब किस तरह से बनाना है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया, उसको मैंने गर्म कर लिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना फ्रेश आपने पीस के ऐड करना है, वो ऐड किया। इसके बाद मैंने दो बड़े बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, वो मैंने इसमें ऐड किए हैं, और साथ में जो उनको अच्छी तरह से मैंने भून लिया था टमाटरों को। उसके बाद जी जो मैरिनेट किया हुआ मैंने गोश्त रखा था ना, वो सारा मैंने इसके अंदर ऐड किया। थोड़ा सा मैंने पानी उसी के अंदर डाल के अंगाल लिया था, और वही सारा जो है ना मैंने इसके अंदर ऐड करके उसको प्रेशर कुकर लगा दिया था। बस इसके अलावा इसमें कोई मैंने स्पाइसेस और ऐड नहीं किए, ना नमक मिर्च हल्दी कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया। बस सिर्फ जो है ना मैं इसको अचार गोश्त के मसाले से बना रही हूँ। तो आप लोग इस सिंपल सी बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये दावत रेसिपी है, कोई आम रेसिपी नहीं है। आप लोग अपनी दावतों में भी इस रेसिपी को शामिल कर सकते हैं, आपकी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार किस्म की रेसिपी जो है ना बनकर रेडी होगी। तो अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना वीकली जैसा कि पता है आपको यहाँ पर ऑफ़र्स लगती हैं, तो आज जो है ना आलमंड और ये वॉलनट्स जो है ना मेरे ख़त्म थे, तो ये मैंने मंगवाए थे। तो मैंने सोचा जल्दी से जब तक जो है ना प्रेशर कुकर लगा हुआ है साथ में जो है ना ये इनको रिफ़िल जो है ना वो मैं कर लेती हूँ। और जिन लोगों को जी मुझसे शिकायत रहती है कि आप ही प्लीज़ व्लॉग जो है ना थोड़ा सा लंबा किया करें, आपका व्लॉग इधर से हम देख रहे होते हैं और इधर से ख़त्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता इतनी जल्दी जो है ना आपका व्लॉग ख़त्म हो जाता है। अभी हम लोग इन्जॉय कर रहे होते हैं और आप जो है अल्लाह हाफिज़ भी कर देती हैं। तो आज का व्लॉग जो है ना उन सब की शिकायत जो है दूर होगी होगी आज के व्लॉग में, क्योंकि आज का व्लॉग जो है ना एज़ यूजुअल रूटीन से मेरा थोड़ा सा जो है ना लंबा है व्लॉग, आप लोगों ने ज़रूर इन्जॉय करना है और फुल वॉच भी लाजमी करना है, ताकि जल्दी से जो है ना मेरा वॉच टाइम जो है वो कम्प्लीट हो सके और सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाएँ, ताकि जल्दी से जो है ना चैनल मोनेटाइज करवाएं और ग्रो हो सके चैनल। तो अच्छा जी, खैर उनको मैंने रिफिल कर दिया था, और ये है जी इसकी लुक। और अभी बस यहाँ पे करती हैं इसकी बुनाई, क्योंकि मैंने जब गोश्त ऐड किया था ना तो उस टाइम पे मैंने इसकी बुनाई तो नहीं की थी, बस थोड़ा सा पानी उसमें ऐड करके बस मैंने प्रेशर कुकर जो है वो लगा दिया था। यहाँ पे मैं इसकी तकरीबन 10-15-20 मिनट जो है ना आप जितनी करना चाहे अच्छी तरह, जब गोश्त की बुनाई हो जाए ना तो उसके बाद जो है ना फिर मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक जो कि मैंने जूलियन साइज़ की कट करके रखी है। साथ में 2 अदद मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, इनको बारीक बारीक कट कर लेंगे, और हरा धनिया जो है वो भी मैं काट लूँगी। और इससे जो है ना इसकी ये तो मैं कहती हूँ चार गोश्त की जान है भाई, इससे इसकी इतनी कोई मज़ेदार किस्म की लुक आती है ना कि देख के जो है ना बंदे के मुँह में जो है वो पानी आ जाता है। बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ जी जल्दी जल्दी जो है ना अपना लंच प्रिपेयर, क्योंकि जो है ना आज बनाते हुए काफ़ी ज़्यादा वो है मुझे लेट हो गया था, तो सबको जो है ना इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा कोई घर में महक रही थी ना इस टाइम पर, सबको इसकी खुशबू ही सूंघ सूंघ के जो है ना भूख लगना जो है वो स्टार्ट हो गई थी। मुझे खुद भी इतनी शदीद किस्म वाली इस टाइम पे भूख लग रही थी, तो बस मैं सोच रही थी जल्दी से जो है ना बस रोटियां बन जाएं और साथ में जो है ना हम लोग अपना लंच जो है वो एंजॉय करें। तो ये देखें जी इसकी लुक देखें, माशाल्लाह कितनी कोई प्यारी इसकी लुक बन के निकल रही है। तो अदरक जो है ना थोड़ी देर मैंने पहले ही ऐड कर दी थी, 2-3 थोड़े से मैंने जो है ना अदरक के दाने बचा के रख लिए थे, दाने कह लें या कुछ भी कह लें, अब आपने इसको जो है ना क्रिटिसाइज़ नहीं करने लग जाना कि अदरक के दाने कौन से होते हैं। तो एक तो आप लोग जो है ना इतना ज़्यादा करते हैं ना जिसकी हद नहीं है, तो सोच के जो है ना हैरान रह जाती हूँ मैं भी अक्सर जो है ना, आप लोग इतना ज़्यादा गौर से यार देखते हैं, इतना ज़्यादा एक एक चीज़ को आप लोग इतना ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो खैर जी, अब आप लोग यूट्यूब की फैमिली आप लोग ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, आप लोगों का राइट बनता है, तो ऐसी चीज़ों को किया करें जो कि करने वाली हों, जो ना करने वाली हों। हम भी बंदे हैं, यूट्यूबर हैं, तो हमसे भी गलतियाँ जो है वो हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती। तो खैर जी, ये तो लगी आई बातें हैं, अपनी फैमिली हैं आप लोग यूट्यूब की। तो बस यहाँ पे जो है ना गोश्त थोड़ा सा मैंने इसकी बुनाई करने के बाद ना हल्का सा मैंने इसमें पानी ऐड किया था, ताकि लाइट सी जो है ना ग्रेवी सी बन जाए, जो कि खाने में जो है ना बड़ी ज़्यादा मज़े की बनेगी। और अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, और किस किस के मुंह में पानी आ रहा है जल्दी से कमेंट करके बताएँ, और कौन कौन जो है ट्राई करेगा वो भी सब मुझे कमेंट करके लाजमी बताएँ। तो बस ये यहाँ पर करते हैं अपने व्लॉग को एंड। आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग हमेशा की तरह पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो क्या करना है जी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलूंगे जी आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।